अस्सलामुअलैकुम, खुर्रम फन व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मैं आपको विज़िट कराने जा रहा हूँ, एक न्यू प्रोजेक्ट है और जो कि पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची के बिल्कुल संगम पर वाक़ है, गोल्ड लाइन रेजिडेंसी। 9 फ्लोर्स का ये प्रोजेक्ट है और तमाम जो फैसिलिटीज़ वक्त अवेलेबल एक रिहाइश प्रोजेक्ट को चाहिए थी यहाँ अवेलेबल है। और ये अब इन्होंने पोजीशन देना शुरू कर दिए लोगों को, तो यकीनन यहाँ पे कुछ रेंट्स वाले फ्लैट भी हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो आए चलें आपको विज़िट कराते हैं। ये 2 बेड का फ्लैट है, 2 बेड और लॉन्च, और यहाँ पे ये किचन है। इस वक्त अभी यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ कैबिनेट्स वगैरह भी लग जाएंगे। लिफ्ट इस बिल्डिंग में अवेलेबल है, क्योंकि ज़ाहिर है 9 फ्लोर्स में तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि यार 9 फ्लोर्स हैं, लिफ्ट्स अवेलेबल है। लग्जरी फ्लैट्स हैं, टाइल्स और के बाथरूम में जो है टाइल्स अवेलेबल हैं, किचन से बाथरूम सेट बहुत अच्छा है, बेसन बाथ एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, फ्लोरिंग भी हुई हुई है बाथरूमों पे। ये मैं आपको विजिट कर रहा हूँ बालकोनी। जब मैं बालकोनी का आया तो मैं इसकी ऊंचाई देख के थोड़ा सा स्केयर्ड हो गया था। यहाँ से आपको नॉर्थ कराची का पूरा सर्कल नज़र आता है। ये फ्लैट्स की क्वालिटी है कि बहुत सारे मतलब फ्लैट्स जो है ना उनकी बालकोनी फ्रंट पे भी दी हैं, बैक साइड पे भी दी हैं, ताकि हवा का कोई मसला ना हो। जो नॉर्थ कराची में रहते हैं या जो नॉर्थ कराची को समझते हैं, पावर हाउस के साथ ही फाइवेल कॉलेज है, फाइवेल कॉलेज के साथ ही ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो ये सेक्टर 5L में आता है। ये इसका सेकंड रूम है, इधर एक विंडो दी गई है और यहाँ से आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। इनके जो वॉशरूम है आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ऑफिसेस के वॉशरूम्स होते हैं ना, इस तरह के लग रहे हैं। पोर्टेक्स ये ब्रांडेड, बेसिकली ब्रांड है ये। ये देखिए ये फ्लोरिंग भी ऊपर हुई है ना। ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन रहा, फिर उसके बाद जो है बहुत सारे मसले मसाइल थे, पोजीशन इशूज़ भी चल रहे थे, बट बहरहाल अब ये कि पोजीशन के इशूज़ ख़त्म हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक आना शुरू हो गई, यानी रिहायशी आना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे जो है जो ऑनर हैं वो बेसिकली रेंट पर देना चाह रहे हैं। तो इस वाले जो रेंट वाले लोग हैं जो फ्लैट की लाइफ को पसंद करते हैं वो इधर आएँ। यहाँ पर लोड शेडिंग का इशू नहीं है, लिफ्ट यहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल है और ये बेसिकली पार्क है। ये फर्स्ट फ्लोर पे ये पार्क बनने जा रहा है जिस पे काम हो रहा है। ये लिफ्ट्स हैं, ये तकरीबन ये 350 फ्लैट्स हैं टोटल मिला के। ये एक बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, यहाँ बैक वक जो है 500-600 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, इतनी बड़ी पार्किंग है। क्योंकि इस फ्लैट में जब बुकिंग कराने लोग आए थे तो उन्होंने ये बात भी रखी थी यहाँ पे, क्योंकि शॉप्स नहीं है, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, ये कमर्शलाइज नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सारी जगह को पार्किंग में दिया है। इस वजह से भी ये फ्लैट्स थोड़े से कॉस्टली हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की भी फीस ली गई है। अभी सफाई वगैरह काम चल रहा है, काम हो रहा है, और जैसे जैसे पब्लिक आती जाएगी ऑब्वियसली और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। बट ये है कि जो फ्लैट मैंने आपको दिखाया है ये रेंट पर इस वक्त अवेलेबल है, आप चाहें तो कमेंट्स में इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। गैस के मीटर अनकरीब लगने वाले हैं, जैसे जाहिर से आपको पता है जो गैस की स्वीस सदन की जो शराइत में से ये होती है कि 80% आबादी आ रही है, तो वो गैस के मीटर अवेलेबल नहीं। ये बेसिकली पार्क बन रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर।